कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके लोहे बाजार की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह उपस्थित हूँ। लोहे बाजार में मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पर किस तरीके से कामकाज हो रहा है, साथ ही पुराने लोहे के भाव की जानकारी, कास्ट आयरन का भाव, चारसी सीआरसी कॉयल के भाव की जानकारी और मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ विदेशी बाजारों की जानकारी में सरिया बाजार के बारे में भी आपको बताएंगे किस तरीके से आप सरिया के बाजार में कामकाज कर सकते हैं, सरिया टीएमटी में आपको कहां खरीदारी करनी है, कहां बिकवाली करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट से। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट की अगर बात करी जाए तो कल भी बाजारों में एक हल्का सा दबाव देखा गया। जैसे कि कल आपको मालूम है, एक अमेरिका में एक बड़ी मीटिंग थी फेड का, जो इंटरेस्ट रेट का जो बातचीत चल रही थी उस पर किस तरीके से कामकाज हुआ यह भी बताएंगे। तो एमएस सिंगट की अगर बात करें तो कल 48,000 इसमें 200 रुपए की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। एमएस स्क्रैप का भाव 37,500 रुपए हो गया। एमएस सिंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,500 रुपए रहा। कास्ट आयरन की अगर बात करेंगे, मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 40,500 रुपए, इंपोर्टेड का भाव 41,500 रुपए रहा। सभी आप देख रहे हैं जो रेट है, ये बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होता है। तो आपको बता देते हैं कल जैसे कि अमेरिका में जो खबर आई है, फेड ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज कर दिया है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो बाजारों में जो असर आने वाला था, जो बाजारों में काफ़ी उतार चढ़ाव होने वाला था, अब सीमित हो जाएगा। और निचले स्तर से लगातार आप जो देख रहे हैं कि चाइना के बाजार की अगर बात करी जाए, फेड का इंटरेस्ट रेट अनचेंज होने के बाद चाइना के बाजार में जोरदार तेजी देखी गई है। आयरन ओर का भाव लगभग 1.5% बढ़ के बाजारों में कामकाज कर रहा है, जबकि स्टील रिवर और एचआरसी का बाजार फ्लैट खुला हुआ है, इसमें कोई विशेष परिवर्तन बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। चलिए बात करेंगे एचआरसी सीआरसी कॉयल की स्थिति क्या है। लुधियाना एचआरसी कॉयल का भाव 56,500 रुपए, सीआरसी कॉयल का भाव 60,100 रुपए, गाजियाबाद एचआरसी कॉयल का भाव 57,000 रुपए, सीआरसी कॉयल का भाव 63,500 रुपए, कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 53,600 रुपए, सीआरसी सीट का भाव 60,300 रुपए बोला गया। सभी आप ये जो भाव है ये भी बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस अलग से दे होगा। आपको बता देते हैं, इससे पहले आपको बताते हैं बाजार में खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का आप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स 9:30 आपको लाइव करके मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर का भाव 50,900 रुपए रहा, जीआई वायर का भाव 55,900 रुपए, एमएस पाइप में गोविंदगढ़ पाइप का भाव 52,200 रुपए हो गया। रायपुर पाइप की अगर बात करेंगे तो 48,800 रुपए। टीएमटी की अगर बात कर लेते हैं, मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का भाव 52,800 रुपए। दुर्गापुर का भाव 48,000 रुपए रहा, इंदौर का भाव 52,700 रुपए, रायपुर का भाव 47,800 रुपए, जयपुर का भाव 52,000 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 50,600 रुपए, भावनगर का भाव 51,000 रुपए, गाजियाबाद का भाव 52,300 रुपए, जलना का भाव 51,600 रुपए, पटना का भाव 49,500 रुपए रहा। सभी टीएमटी के भाव में मामूली सी नरमी के साथ 100 से 200 रुपए की मामूली गिरावट बाजारों में दर्ज करी गई। चलिए जानेंगे मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। जिस हिसाब से चाइना के बाजारों में और फॉरेन बाजारों से सपोर्ट मिल रहा है, उस हिसाब से बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। गिरावट कहीं पर आती है तो आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। मंडी गोविंदगढ़ में आज का सपोर्ट का लेवल 47,500 रुपए का है, रेजिस्टेंस का लेवल 48,400 रुपए का, इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 37,100 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 38,000 रुपए का। ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजारों में गिरावट पर खरीदारी करिए, आने वाले समय में बाजारों में आपको एक अच्छी बढ़त आती हुई बाजारों में नजर आएगी। अगर खबर में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24।